हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारे पास फ्रेम में ये मर्सिडीज बेंज की EQC। नाइट में जो मैं लाइट्स की बात कर रहा था ना, लाइट्स लगती कैसी है। तो आगे फिर से हम EQC के अंदर। हाँ इस्लाम जी, देखते हैं कैसी है लाइट। देखना अब हेडलाइट का इसका डिजाइन जब गाड़ी स्टार्ट होगी ना। हाँ हेडलाइट देखो आगे। मैं एक बार ये बाहर से भी दिखा दूंगा कि लगती कैसी है जब ऑन होती है ना। गाड़ी को एक बार, हाँ मैं एक बार बाहर से दिखाता हूँ उतर के ना, बाहर से कि लगती कैसी है। वो फॉर्म होती होगी ना पूरी LED। हाँ कलर भी एक बार देख लेते हैं यार। भाई थर्ड तो यार मर्सिडीज का पता ही आपको। एक बार करना स्टार्ट। ये देखो भाई, ये लाइट्स का फॉर्मेशन पूरा। ये देखो भाई थ्रो, देखो यार लाइट्स का। कैमरे में सारी चीज़ नहीं आती पर क्या लग रही है यार गाड़ी। चलो अंदर चलते हैं, एम्बिएंट लाइट देख लेते हैं एक बार इसकी। जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, लाइट भी चेंज होगी। आप देखो उधर की ध्यान से, कलर चेंज कर रही है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक है लाइट, सीधा AC से लिंक है। और एम्बिएंस लाइट जो भी आप कलर सेलेक्ट करना चाहें। हाँ वो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कलर के। बहुत सारे ऑप्शन है कलर, आप अपनी चॉइस से जो सा भी लगाएं। देखें सामने चेंज हो रहा है, जो भी लगाएं आप देखें। और इसे हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस को है ना। इसको वो भी दिखा देता हूं कलर। ये लो हो गई। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इतने किसी गाड़ी में नहीं आते जितने इसमें आते हैं ऑप्शन। और सारे ही बहुत सुंदर है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा पॉपी हो रहा है और आंखों में लग रहा है। नहीं नहीं, और ये है इसके कलर की ये ब्राइटनेस है, जितना चाहिए आप अपने हिसाब से। फ्रंट और रियर की चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। ये लगे यार। और ये पूरे कंसोल की भाई क्या लगता है यार। और गाड़ी स्टार्ट है अभी। अब मालूम भी नहीं बिल्कुल नहीं पता चल रहा। नॉर्मल कॉलिंग के लिए बटन है आपका। हाँ ये SOS यहाँ से आप प्रेस कर सकते हैं ना, कॉल सेंटर बात हो जाएगी। वैसे ये नंबर डायल होता है आपका, इसको ई-सिम है ना इसके अंदर। हाँ, मोबाइल ई-सिम से डायरेक्टली कॉल मिल जाती है इमरजेंसी के टाइम पे। हाँ। ये मर्सिडीज मीकल है, ये यहाँ से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। एक कॉल सेंटर को मिल जाएगा जो कस्टमर सर्विस डेस्क है इनकी, प्रॉपर एस्केलेशन के लिए है ना। है मर्सिडीज, स्विच ऑन AC। ये इसके वॉइस कमांड्स हैं इनबिल्ट, एलेक्सा वगैरह नहीं आता, मर्सिडीज का खुद का है। मर्सिडीज का इसमें कुछ इसमें पैरामीटर्स दिए हैं डॉक्यूमेंट के साथ कि कितने चीजें से है मर्सिडीज से आप ऑपरेट। व्हाट थ्री वर्ड्स भी चलता है इसमें। हाँ जी है ना। हाँ जी मैप में अगर हम ट्राई करेंगे, ये पूरा मर्सिडीज मी का है। और यार इसका कंसोल रात में तो और सुंदर लग रहे हैं। और इसका है ना मीटर का, आपका स्टाइल भी मीटर का डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं अपने क्लासिक चेंज। अरे वाह एनालॉग में बन गया पूरा, जो भी आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से करो। और जब हम मोड चेंज करते हैं कलर तो चेंज ऑटोमेटिकली होते ही है। जैसे यहाँ पे मोड्स हैं, अगर हम ये चेंज करेंगे। हाँ, ये क्लिक करना है ना। हाँ बस ये स्पोर्ट्स इंडिविजुअल आप पूरा चेंज देख सकते हो, पूरा एम्बियंस ही चेंज हो जाता है इनके अकॉर्डिंग। स्पोर्ट्स में रेड कलर आ गया, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी चेंज हो रहा है, इको में ग्रीन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया यार। तो ये थी कुछ वीडियो, आप बताना आपको कैसे लगा मर्सिडीज का इंटीरियर और इस स्पेसिफिकली EQC का। तो यार फीचर्स की तो कमी होती नहीं है, आगे पीछे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है। ये जो बटन होते हैं आपके, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो सारी चीजें। पीछे हो जाती है सीट, आगे हो जाती है, ये ऊपर नीचे करने के लिए, ये आगे ये देख रहे हो आप एक्सटेंडर हो जाती है सीट, ये आपका पूरा एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट के लिए।
वापस करने के लिए भी बस आपको यहीं से प्रेस करना है, वापस आ जाती है। तो फीचर्स की तो यार इतनी है लिस्ट, वीडियो 20-30 मिनट की हो जाएगी, तो वो किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे, अब एक लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप सब्सक्राइब करना चैनल को और बताना आपको कैसे लगे इंटीरियर मर्सिडीज EQC के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइट देख लो आप कितनी मस्त है। तो यार ऐसे कुछ इसका स्टार्टिंग वाला है, देखो ना, आप उंगली नहीं लगा सकते, सब जगह डेंजर का सिंबल दिया है। जो इलेक्ट्रिक गाड़ी की मेन पहचान है ना, यही है ना। हाँ, हर जगह वही लगा रखा है इन्होंने। ये मोटर है इसका, और सावधान, ये देखो यहाँ पे भी वार्निंग दिया हुआ इन्होंने। कितनी BHP कितनी निकालती, कोई आइडिया? ये वाली 60 kW की है ना, इसका जो बैटरी पैक है वो तो 60 kW का है। वो तो अभी होता क्या, इसका बिन नंबर डालेंगे ना, डाटा हाँ, डाटा था मर्सिडीज का, पूरा डिटेल उसमें आती है, ऐसे किसी को कुछ नहीं पता होगा, बट डाटा कार्ड डालेंगे ना गाड़ी का बिन नंबर, उसमें आता है डाटा कार्ड कोड, सीधा सब कुछ वहीं आ जाए। इसमें तो इंसुलेशन की जरूरत भी नहीं है, इन्होंने तब भी इंसुलेशन दे रखी है। हाँ, इसमें तो भाई आवाज होती नहीं है, कहाँ पे, यहाँ पे कर रहे हैं लॉक है, वही इसके अंदर से होता है। हाँ, लॉक दबाएंगे, ये रहा, ये रहा। हाँ, इसके अंदर से लगा सकते हैं।